Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांग मौखिक कसौटी। ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मौखिक कसौटी है, जिसको आज हम देखेंगे। मौखिक कसौटी है, लेकिन हमें ये पूरी कसौटी अपनी हिंदी की कापी में एक बार लिखना है। आज हम मौखिक कसौटी के प्रश्नों के उत्तर और स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे, समझेंगे, जो आपको अपनी हिंदी की कापी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए लिखना है। तो चलिए अब हम पाठ्य पुस्तक की मौखिक कसौटी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले है प्रश्न 1, नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा, जिसका उत्तर है नन्हा राही धूप में पसीना बहाएगा। प्रश्न नंबर 2, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं, जिसका उत्तर है सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने जा रहे हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, लंगूर का मुंह कैसा होता है, जिसका उत्तर है लंगूर का मुंह काला होता है। नंबर 4, राम सीता और लक्ष्मण कहाँ गए, जिसका उत्तर है राम सीता और लक्ष्मण वन में गए। नंबर 5, राम को देखकर भरत ने क्या किया, जिसका उत्तर है राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना की, यानी के माफी मांगी, भरत ने राम से माफी मांगी। यह 5 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी हिंदी की कापी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में एक बार लिखना है। आगे देखिए यातायात के साधनों के नाम लिखिए। देखिए हमारा यह प्रश्न है, सबसे पहले क्या है, 3 पहिए वाले, तो 3 पहिए वाले यातायात के साधन में कौन आएगा, रिक्शा। उसके बाद है नंबर 2, 4 पहिए वाले, तो 4 पहिए वाले यातायात के साधन में कौन आएगा, मोटर कार और ऊंट गाड़ी। नंबर 3, पानी में चलने वाले, नाव और जहाज। नंबर 4, आकाश में उड़ने वाले, आकाश में उड़ने वाले यातायात के साधन कौन कौन से हैं, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। नंबर 5, 2 पहिए वाले, तो 2 पहिए वाले कौन कौन से हैं, साइकिल स्कूटर तांगा आदि, ये सभी 2 पहिए वाले यातायात के साधन हैं। ये भी आपको पूरा प्रश्न सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कापी में एक बार लिखना है। तो चलिए अब हम उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ हमें अलग अलग तरह के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उस सूचना के अनुसार हमें उसके उत्तर देने हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, किन्हीं 5 फूलों के नाम लिखिए। देखिए कौन कौन से फूल है, चंपा मोगरा गुलाब कमल और बारहमासी। अगर आप इसके अलावा कोई और फूलों के नाम लिखना चाहते हैं तो वह भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, घऊ बाजरी जुआर को हिंदी में लिखिए। तो घऊ को हम हिंदी में क्या कहेंगे, गेहूं, बाजरी को बाजरी बाजरा और जुवार को जुवार। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, रसोई घर के साधन के नाम लिखिए, यानी हमारे घर की रसोई घर में, सभी के घरों में रसोई घर में कौन कौन से साधन होते हैं, तो देखिए थाली पतीली कढ़ाही
कलछूल, पानी, चूल्हा, कुकर आदि। अगर आप इसके अलावा कोई और साधनों के नाम लिखना चाहते हैं तो वह भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, इन्हें गुजराती में क्या कहेंगे? कमल, कनेर, गुड़हल और गेंदा। तो देखिए इसका उत्तर, कमल को गुजराती में क्या कहेंगे? कमल। कनेर को करेण, गुड़हल को जासूद और गेंदा जिसको गुजराती में कहेंगे गलगोटो। यह प्रश्नों के उत्तर भी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में एक बार लिखना है। आगे का प्रश्न देखिए। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखे। विरोधी शब्द को हिंदी में हम दूसरा क्या कह सकते हैं? विलोम शब्द, यानी विरोधी और शब्द को विलोम शब्द भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले है सुबह। सुबह का विरोधी होता है शाम। सूखा, सूखा का विरोधी गीला। दोस्त, दोस्त का विरोधी दुश्मन। दिन, दिन का विरोधी रात। और गलत का विरोधी सही। यह विरोधी यानी के विलोम शब्द भी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में एक बार लिखना है। और इसी के साथ हमारा मौखिक कसौटी भी यहीं पे पूर्ण हुआ। धन्यवाद।